अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी फैमिली। तो आज जो है मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी, जो कि हम एक एग से बनाएंगे कि किस तरीके से जो है ना हमारी बहनें जो तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद क्या करना है, बीच में से आपने ये देखे तो जी कभी कभी ऐसी भी हरकतें हो जाती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ों को वो मैनेज करना, लेकिन मैनेज हो जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो इसमें हम ये इसकी सफ़ेदी जो है वो निकाल रहे हैं, देखें किस तरीके से जो है ना हमने इसकी सफ़ेदी को बिल्कुल से अलग कर लिया है। ये देखें हो गई है ना इसकी सफ़ेदी है, वो बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त सी रेमेडी है। वो ये है कि आपने एग का जो वाइट लिया है ना, इससे अब हम लोग रेमेडी शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने ये एग वाइट लिया है, और एग वाइट को हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे। तो ये एग वाइट बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होता है, और जैसे कि अगर आप लोग की फेस पे आप लोगों को कहीं जाना हो और अचानक आप लोग चाहें कि फेस पे ग्लो आ जाए, एकदम से स्किन टाइट हो जाए और ज़बरदस्त सी लगने लगे, तो आपने करना क्या है, आपने एक अदद अंडा लेना है, और अंडे की येलो जो है वो अलग कर लेना है और वाइट अलग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें ये वाइट है, इसको भी अच्छे तरीके से भी हमने और फेंटना है, क्योंकि ये अभी नहीं हुई है। तो उसको फेंटते जाइए कि ताकि जो इसके अंदर जो है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सेम सी हो जाए। तो इसको फेंटने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरी बहनें थोड़ी सी मेहनत करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा उनके फेस पर। आजकल है शादियों का सीज़न, और शादियों में जो है मोस्टली जो है शादी में जाना होता है, और पार्लर जाने के लिए इतना ना टाइम मिलता है, ऊपर से बच्चों वगैरह का साथ होता है, पूरा दिन बिजी गुजर जाता है और रात में शादी आ जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और इस तरीके से एक एग को ले लेना है, और उसकी वाइट को इस तरीके से फेंटना शुरू कर देना है। 2-3 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से ना इस तरीके से फेंटिएगा। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाती है, लेकिन आप लोगों को एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाते हैं, ताकि आप लोगों को मसला ना हो मेरी बहनों को कि जो है किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो बहुत ही आसान हो जाता है, सही है। तो ये देखें पहले इसमें जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा सा फील हो रहा था, लेकिन इसको फेंटने की वजह से ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने लगी है। 2-3 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही फेंट रही हूँ, तो आप लोग ऐसे मत परेशान हुआ करेंगे टाइम ज़ाया हो रहा है, ये टाइम ज़ाया नहीं हो रहा होता, हम आप लोग को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने हर टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आसानी लानी है। कोई बात नहीं, पार्लर नहीं जा सके कोई इशू नहीं है, आप अपनी स्किन को वैसे ही बगैर पार्लर जाए हुए भी जज्बे नज़र बना सकते हैं। इसको लगाने से आपकी स्किन बहुत ही टाइट हो जाएगी और एकदम से फ्रेश सा लुक आएगा, और इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाया जाता है एग के अंदर। तो ये देखें मैं इसको फेंट लिया है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी हो गई है। देखें इस पर आपने कैसे अप्लाई करना है, कितनी देर तक के लिए अप्लाई करना है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि मेरी बहनों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो ये एग वाइट है, एग वाइट को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और अब हम इसमें एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी स्किन जो है ना वो और शाइन करे और ज़बरदस्त लगे। तो वैसे तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन है, और प्रोटीन के अलावा भी हम इसमें ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे जो कि इसको और ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त कर देगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है विटामिन्स मल्टी विटामिन्स उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। तो हमने लिया है विटामिन ई ऑयल की टैबलेट, और इसको हम यूज़ करेंगे, इसका नाम है इवॉन, और विटामिन ई की टैबलेट है। विटामिन ई हो सी हो, ये सारे जो विटामिन्स हैं ना ये आपकी स्किन को जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त कर देते हैं। और आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने इसको अप्लाई ऐसे करना है कि अच्छे तरीके से फेस वॉश कर लेना है, और फेस वॉश करने के बाद अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ, पहले हम इसके अंदर एक इसका कैप्सूल ऐड कर देते हैं विटामिन ई का, ताकि जो है इस एग की सफ़ेदी में विटामिन ई का कैप्सूल चला जाए। ये देखें थोड़ा सा ही इसके अंदर लिक्विड होता है, लेकिन फ़ायदेमंद इतना होता है ये विटामिन ई, चाहे आप हेयर कहें चाहे आप स्किन कहें, तो हर चीज़ के लिए विटामिन ई बहुत फ़ायदेमंद होता है। और फिर आपने इसको दोबारा से मिक्स करना शुरू कर देना है। ये देखें ये मिक्स करते जा रही हूँ मैं, ताकि विटामिन ई जो है ना अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए इस एग के अंदर। घर की चीज़ है, घर की चीज़ों से किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना है, अच्छा दिखना है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी बहनों के लिए अच्छी अच्छी सी टिप्स लाएं, और वो भी हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएँ कि ये कैसी रेमेडी है और आपको कैसी सूट करी, और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं,
ताकि हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो ये देखें, ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका फेस मास्क बिल्कुल से रेडी है और आप इसको फेस पे अप्लाई करें, 10 मिनट बाद वॉश करें। ऐसा बेहतरीन रिजल्ट आएगा ना कि मेरी बहनें मुझे दुआएं देंगी कि क्या बाजी आपने क्या ट्रिक बताई है जिससे फेस निखर के बाहर आ गया है। और आपने सिंपल सिंपल तरीके से, जिस तरीके से सारे पैक अप्लाई करते हैं उसी तरीके से फिंगर्स से, ऐसे पता तो नहीं चलेगा, ये हल्का हल्का सा इसको यूं 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 रब कर करके आपने इसको अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे। ठीक है, पूरे फेस पे जब आप इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, देखिए पता भी नहीं चलेगा और ये जर्व्स भी हो जाएगा। और फिर आपने इसको लगाने के बाद जो है ना, बिल्कुल भी किचन में नहीं जाना, और जब भी कोई भी रेमेडी या कोई फेस वॉश यूज़ किया करें तो रफ़ टाइम में किया करें, बिल्कुल फारिग टाइम में किया करें, ताकि ईजिली सिर्फ इसको टाइम दे सकें। ठीक है, तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से जो है ना ये पूरा ऐसे अप्लाई कर दिया। आप लोगों ने फेस पे अप्लाई करना है, फेस पे अप्लाई करना है, चाहे तो हाथ पे करें लेकिन पैरों पे करें, लेकिन ये जो है मैं आप लोगों के लिए फेस के लिए बता रही हूँ। पैरों और हाथों के लिए मैंने दूसरी रेमेडी बनाई थी, वो मैं इसका लिंक जो है आई बटन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें भी एक एग की मदद से किस तरीके से आप लोग अपने हाथों और पैरों की झुइयाँ हटा सकते हैं, झुरियाँ हटा सकते हैं। और ये भी, ये देखें 30 के बाद जो ये होता है ना कि आपकी स्किन कुछ अजीब अजीब सी लगने लग जाती है 30 से लेकर 50 तक, तो आप लोग इजीली एक अंडे की मदद से जो है ना इस तरीके से एग को अप्लाई कर आप लोग इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पार्लर जाना बंद, हर चीज़ आप लोग छोड़ देंगे जब आप एक दफ़ा ये अप्लाई करेंगे इस एग की रेसिपी को, क्या कहूँगी कि टिप्स को, तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि क्या ही चेहरे पे ग्लो आया है, और शादी में भी सब आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, आपके साथ और ज़बरदस्त सी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रिक्स भी बताएंगे किचन की चीज़ों के साथ, टिप्स भी बताएंगे कि मेरी बहनें अपना कैसे ख्याल कर सकती हैं। तो इसको 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद फिर मैं वॉश करके दिखाती हूँ कि कितना बेहतरीन आपका फेस हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करें कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आया है हाथ पे, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। आपके फेस पे भी ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा और आपका चेहरा ऐसा लगेगा जैसे आप लोगों ने फेशियल करवाया है। तो फिर मिलेंगे एक और सी ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।